तो जी मैं तैयार हो गया हूँ अपने ड्रेस कोड के साथ, यूनाइटेड टू टेक अ प्लेज। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मुरीन और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे से और बहुत ही मज़े में होंगे। तो इस टाइम बहुत बहुत जल्दी चल रहा हूँ, बहुत तेज़ चल रहा हूँ और आज मुझे 8:19 वाली ट्रेन में जाना है, तो इसलिए जल्दी चल रहा हूँ। लेट हो गया, 7:30 बज गए, तो यहाँ से भी टाइम लग जाता है इसीलिए। तो आज बहुत ख़ास चीज़ होने वाली है, आज होने वाला है हमारे कॉलेज में मीडिया फेस्टिवल, जहाँ बहुत सारे कॉलेजों से अमर सिंह कॉलेज तो मीडिया स्टूडेंट्स वहाँ से भी आ रहे हैं हमारे कॉलेज, क्योंकि हमारे कॉलेज में मीडिया फेस्टिवल है। ठीक है, तो कैसा क्या कुछ रहेगा आप सबसे शेयर ज़रूर करेंगे, और मेरा भी एक स्किट है वो भी करूँगा, वो भी आप लोगों को ज़रूर शेयर करूँगा। तो फिलहाल मैं पहुँचता हूँ, फिर मिलता हूँ। तो जी इस टाइम मैं कॉलेज पहुँच गया और अभी मैं हूँ अपने कॉलेज के डिपार्टमेंट में गार्डन में, तो सजाया है पूरे अच्छे से, आप लोगों को मैं दिखाता हूँ अच्छे से। हमारा डिपार्टमेंट ऑफ मीडिया स्किल एंड रिसर्च सेंटर ज़बरदस्त लग रहा है, फ़ोटो एग्जिबिशन भी है, वो भी आपसे दिखा दूँगा। तो फ़िलहाल ये कुछ तैयारियाँ हो रही है, वहाँ से फ़ोटो एग्जिबिशन है। तो जी ये है हमारा मीडिया फेस्टिवल आज 10 सितंबर को, और ये हमारा यहाँ से ऑडिटोरियम है अंदर और ये हमारे अर्श साहब, क्या कहना चाहेंगे, कैसा जा रहा है आपका? जी फिलहाल तो स्टार्ट हुआ है, उम्मीद है अच्छे से हो जाएगा इंशाल्लाह, उम्मीद। और ये हमारी कैमरा पर्सन माशाल्लाह, तो हमारा प्रोग्राम यहाँ अंदर हो रहा है ये जी, और ये तैयारी बैनर लगाया जा रहा है। तो जी अभी हम हैं ऑडिटोरियम में और हमारे सामने अभी शायद पहला स्किट होने वाला है, इसके बाद हमारा है। तो अभी फ़िलहाल सब बैठे और लोग भी आ रहे हैं तो ये हमारे सीनियर है, एक्ट कर रहे हैं, और ये तजमुल है। तो जी अभी हो रहा है हमारे कॉलेज का एंथम, मैं सुनाता हूँ आपको, फ्रंट कैमरा से दिखाता हूँ। ये जी हमारे प्रिंसिपल है और our campus and everyone the students to please stand up for a moment, we'll take a pledge against the drug abuse, please stand up for a moment, united to take a pledge under the nasha mukt jammu kashmir abhiyan to make not only our community family friends but ourselves drug free because change starts from within. So pledge together to make India drug free. I pledge that I will take in my capability to make India drug free. Thank you. तो हमारा मीडिया स्टडी जो है अभी यहाँ का रेडियो चल रहा है, तो अभी यहाँ का रेडियो चल रहा है वो आप सुनाई देते रही होगा। मैं तुम्हारी मदद करूं, संदूक उठाने की कोशिश करने वाला इमदाद देने पर राजी हो। तो मूवी होने वाली है स्टार्ट। एक काला जानवर, क्या बात है भाई, क्या शॉट्स है। बहुत दानी दिल्ली दिस प्लेटफॉर्म शायद तो मैं
इस फिल्म को तो बना भी लेता किसी भी तरीके से, लेकिन शायद मैं ऐसे इसको कभी प्रेजेंट नहीं कर पाता। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू रॉनी सर, टू ऑल माय टीचर्स, टू प्रिंसिपल सर, टू ऑल माय कॉलेज एंड मेरे सारे दोस्तों का, मेरी टीम। मैं ये कहना चाहूंगा दिस गाय हियर हैड सपोर्टेड मी फ्रॉम द बिगिनिंग। दानिश, ये बंदे ने मुझे पहले दिन से कहा कि ये हमें करना है एंड वी डिड इट एंड इंशाल्लाह देयर्स अ लॉट टू गो। मेरी टीम का शुक्रिया करना चाहूंगा, मोहसिन मोहसिन अहमद, बहरान अशरफ, फरहान लोन, बू, मेरे तमाम दोस्त जितने भी हैं यहाँ पे, सबका नाम नहीं ले सकता। थैंक यू ऑल, बस इतना ही। यहाँ पे हमारा फोटो एग्जिबिशन स्टार्ट हो गया है और फिलहाल के लिए ये आप देख सकते हैं, हमारा फोटो एग्जिबिशन चल रहा है और बाकी कॉलेजेस से भी आए हैं। ये देखें सर जी। सर यहाँ देखे, तो ये हमारे और एक ब्लॉगर है, बता चैनल का नाम, फ्री प्रमोशन, क्या क्या विजय फाद लाइफस्टाइल। ओके, तो जाके सब्सक्राइब करें और बाकी ये सीन हमारे आप देख सकते हैं और यहाँ से कुछ फोटोज है, वहाँ से भी फोटोज है और वहाँ से भी फोटोज है। तो बहुत जबरदस्त लग रहा है इस टाइम, बहुत अच्छा लग रहा है, हमारा डिपार्टमेंट इज द बेस्ट। पता नहीं। तो जी हमें कूपन मिला है, पहले लंच करते हैं, यहाँ पे लंच हो रहा है अभी और वहाँ पे लंच दे रहे हैं। यस जी, हमारे डायरेक्टर साहब, हमारे और एक डायरेक्टर और हुरिया, कैसा लग रहा है आपको? खाना खाने चले, चलो चलो चलो। तो फिलहाल अभी हम कर रहे हैं लंच और बिरयानी का डब्बा, पूरिया लंच कर रही है, ताजमहल लंच कर रहा है। मैंने क्या खाता, इसे फान किया और बाकी सब लंच कर रहे हैं। तो जी मैं तैयार हो गया हूँ अपने ड्रेस कोड के साथ, तो अभी जाना है थोड़ी देर के बाद स्टेज पे परफॉर्म करने, स्टे ट्यून्ड। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा स्किट हो गया एंड और फिलहाल चिल कर रहे हैं बाहर, बहुत अच्छा गया, बहुत ज़बरदस्त, आपने देखा ही होगा। तो जी अभी हमारा स्किट जो है वो कंप्लीट हो गया, अब हम बैठे हुए हैं और अभी मूवीज़ चल रही है इधर, जिस जिसने भी बनाई है, जिस जिस कॉलेज ने भी, तो हमारे साथ है इस टाइम ताजमहल, बहुत खुश लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा। क्यों खुश, क्यों आप? क्या बोल रहे यार, क्या बोल रहे यार, बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं बोल भी नहीं सकता। तो बस थैंक यू सो मच, आपकी वजह से मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ। शुक्रिया शुक्रिया, आप हमारे ब्लॉग में आने के बाद मैं बहुत ज़्यादा फेमस हो गया, फेमस हो गया, थैंक यू सो मच। ये हमारे साथ ताजमहल और बहुत खुश, और आज इन्हें कौन सा कैमरा संभाला था? सोनी अल्फा सोनी अल्फा सेवन आर आर। कैसा एक्सपीरियंस था? बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था, इसके साथ मुझे स्क्रीन भी मिली थी और मैंने इससे वाइल्ड फोटोज लिए और कुछ वीडियोस लिए मैंने, बहुत नाइस, बहुत अच्छी क्वालिटी इसमें, बहुत बढ़िया। ओहो, तो ये हमारे यहाँ के एलुमनाई है, तो आगे जाके मैं आपको दिखाता हूँ अच्छे से। तो ये हमारे एलुमनाई है मीडिया स्टडीज के, यहाँ पर जवाब का हुआ करते थे, तो यहाँ पर ज्यादा कैमरा इसमें मतलब नेवर करने के बाद तारीख से हो जाए था कहीं उसी कारण में एक तो तारीख से सुन जो क्यों पिक मैसेज पे बंदस जवाब का तुम्हारा आज कैमरा क्यों है बंदस ना बंदस जवाब का अगर मैं हम कैमरा पिक मैसेज नहीं कर कर चुका मैं बस बस न्यूज कर रहा हूँ तो दिल पहले स्पीकर के बच्चों को लेके क्या वो जो काइंड ऑफ थिंग विच आई मीन वी get this kind of thing, but I mean because our contributions in action dekhe wahan par I mean for Akhtar sir, I can't ignore Akhtar sir, at that time Manjit sir the wahan par Bali sir the, I mean Nasir sir, I mean everybody who need to have mentors, good mentors for learning that their talent. Thank you.
हमारे जीडीसी बारामूला के फर्स्ट पोजीशन आए, फर्स्ट पोजीशन इन फोटोग्राफी। बढ़िया है, बढ़िया। माशाल्लाह। और वो बिजी है इस टाइम, वापस गए अंदर, माइक सारी संभाल रहे हैं। गए जीडीसी बारामूला के फिल्म मेकिंग में। I'll be as usual, we make suggestions and criticalities, that's for the good, and it's always a positive criticism which has built this college. If I recapitulate this department, we were in interface meeting with UGC, where two people who had entered to take a program called as Mass Communication and Multimedia Production. They came out rebuking the whole process, ki yaar hume keh rahe the, they were two people from Punjab. I was accompanying the 10th principal, Professor Ismail. So they said कि यार कुछ mass communication के लिए बारे में कह रहे थे, हमने कहा नहीं हमें नहीं चाहिए. So when we entered, we were a college around 500 kilometers, much above that college. वो पंजाब का college था, we were a Baramulla college. Then they told us कि ये तो अभी चंडीगढ़ से लोग निकल गए हैं वापस. जब वो नहीं चला पाएंगे तो आप क्या करोगे? My principal said, sir, please give it to us. We belong to a very backward area. But somehow I could understand that that was not a very good notion. I said that we are geographically backward, but not intellectually backward. Whoa! एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है। नहीं, यहाँ देख के आप बोले? तीन चार साल के बाद जो फिल्म फेस्टिवल हुआ हमारे कॉलेज में, इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर अस। और बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि बहुत बाहर की एंट्रीज जो थी वो भी आज हमारे कॉलेज में आए थे। बीइंग मास कम्युनिकेशन स्टूडेंट मेरे लिए ये कोई चैलेंज नहीं था, बट द थिंग आई लर्न इज हाउ टू मैनेज ऑल दीज थिंग्स टुगेदर, क्योंकि 350 ज़ायद बच्चे जो हैं स्टूडेंट जो है मीडिया स्टूडेंट जो बाहर से आए थे, एंड इट वॉज रियली गुड एटमोसफियर फॉर अस टू लर्न थिंग्स, राइट? आई एम रियली थैंकफुल टू आवर डिपार्टमेंट, दे वन ऑल द कॉम्पिटिशन। थैंक यू। डायरेक्टर साहब, एक्सपीरियंस, अब देखो कमेंट्स कहेंगे आप पे। एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। और क्या बोलना चाहेंगे? काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स आए थे उनके साथ इंटरेक्ट किया, उनकी फिल्में देखी, तो पता चला कि नहीं बारामूला का डिपार्टमेंट ऑफ मीडिया स्टडीज काफ़ी आगे है। यस, ऑनेस्टली उनका काम भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। और स्पेशल थैंक्स टू हमारे एचओडी सर जो है दानिश नबी सर, वो उनसे हम काफ़ी ग्रेटफुल है, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा काम किया और ये शो पुट टुगेदर किया। तो बाकी ओवरऑल मज़ा आया बहुत। ओवरऑल तो बहुत अच्छा था, बहुत। थैंक यू। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा सर? माशाल्लाह। हाँ, मैंने जब आज प्ले किया तो मुझे नहीं था इतना एक्सेप्ट कि मैं इतना करूं। बहुत ही मजा आया, जबरदस्त था। इंशाल्लाह आइंदा करते रहेंगे। इंशाल्लाह सर, आपका एक्सपीरियंस क्या था? एक कैसा रहा एक्सपीरियंस, एक तो उस कैमरा के साथ और आपकी मूवी एक जबरदस्त आई और अपना प्रमोशन खुद ही करो। पहले तो इट वाज रियली गुड, और जब फिल्म चली तो मतलब मेरे दिल में ऐसा हुआ ना, लाइक लिटरली ऐसा रिएक्शन, क्योंकि पिछले 7-8 महीने से हम लोग इस फिल्म पे काम कर रहे हैं। 6-7 महीने लगे थे एडिट को। 6-7 महीने। तो आप किस चैनल पे आए? किसी चैनल पे ट्रेलर है बहुत जल्दी। ट्रेलर किस पे? ट्रेलर है, ट्रेलर आ चुका है चैनल का। चैनल का नाम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। श्योर। इट वॉज रियली ग्रेट, लाइक वो फीलिंग अंदर से आना, पूरा ऑडिटोरियम वहाँ पे उड़ गया है मेरे लिए। एज अ डायरेक्टर इट वॉज रियली बहुत जबरदस्त था। थैंक यू सो मच। तो जी अंजर साहब, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही मजा आया, बहुत जबरदस्त लगा। हाँ, बहुत ही अच्छा। सर अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। जबरदस्त था, सब कुछ अच्छे से हुआ? सब कुछ अच्छे से हुआ। नाइस। इनाम कैसा एक्सपीरियंस रहा? भाई मैं भी गेस्ट हूँ, चीफ गेस्ट यहाँ का। अच्छा, अच्छा लग रहा है मुझे। रुके एक मिनट। अच्छा, अब कैसा लग रहा हूँ मैं? ऑडियंस बोलेगी खुद ही कैसा लग रहा है। ठीक है, बहुत बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। ये देना ऐसे जी, सबसे एक्सपीरियंस पूछ लिया और मेरा एक्सपीरियंस अब सुनो। तो अब मैं कॉलेज से वापस निकल रहा हूँ, मीडिया फेस्ट हो गया ख़त्म, बहुत अच्छा हो गया, सब अच्छे से गया, हमारी जितनी भी हमने तैयारी की थी मीडिया, पूरे मीडिया डिपार्टमेंट ने, सारा अच्छे से हो गया। और कॉलेज की पहली सर्टिफिकेट मिली, पहली सर्टिफिकेट DPS की, तो बहुत सारी अब पहली कॉलेज की मिल गई, तो अल्हम्दुलिल्लाह। और एक्सपीरियंस बहुत ज़बरदस्त था, बहुत मज़ा आया। फ़िलहाल अभी हम जा रहे हैं घर, ट्रेन पकड़नी है 6 बजे वाली, लेट हो गया था, तो अभी फ़िलहाल घर जाते हैं, तो लेट्स गो।